हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है जेरंड। इससे पहले भी हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करा था वो था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती है जो किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब की तरह आती है। ये सेंटेंस के टेंस को बताती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फाइनाइट वर्ब भी प्लूरल होगी। इसके जस्ट अपोजिट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब की तरह वर्क नहीं करती हैं। वो कभी भी किसी भी सेंटेंस के टेंस को नहीं बताती हैं और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। मीन्स सब्जेक्ट का सिंगुलर होना या सब्जेक्ट का प्लूरल होना इस बात का असर नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर नहीं पड़ता है। नॉन फाइनाइट वर्ब फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, जेरंड्स, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव्स। तो आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब के ही एक टाइप को डिस्कस कर रहे हैं जो है जेरंड। जेरंड बेसिकली वर्ब के बेस फॉर्म में जो वर्ब का रूट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी को एड कर दिया जाता है तो वो वर्ब ना होके वो एज अ जेरंड वर्क करता है किसी भी सेंटेंस में। और जब वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर दिया जाता है तो वो एज अ नाउन वर्क करता है किसी भी सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम जेरंड की डेफिनेशन देखेंगे। तो जेरंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द जेरंड इज अ वर्ब दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। जेरंड हमेशा ही एक सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करता है। जेरंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग आईएनजी टू अ वर्ब रूट। और जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, वर्ब का रूट फॉर्म होता है, उसमें जब आईएनजी को ऐड किया जाता है तो वो वर्ब से जेरंड बन जाता है और सेंटेंस में एज अ नाउन की तरह वर्क करता है। द जेरंड कैन टेक ऑन अ नंबर ऑफ रोल्स। इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव प्रोनाउन और अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जेरंड वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी को एड करके बनता है, सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क करता है और ये किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आता है, एज अ ऑब्जेक्ट आता है, पोजेसिव प्रोनाउन के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है, प्रीपोजिशन के लिए भी एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है और सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आता है। इतने सारे रोल्स हैं जेरंड के, इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले जेरंड के एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे कि प्लेइंग। तो यहाँ पर जो वर्ड प्लेइंग है इसमें जो प्ले है ये वर्ब का बेस फॉर्म है, वर्ब का रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसमें आईएनजी को ऐड करके ये हो गया है प्लेइंग। यहाँ पर ये जो प्लेइंग वर्ड है ये जेरंड है। प्लेइंग देखकर आप ये मत समझिएगा ये कोई एक्शन वर्ड है, ये जेरंड है, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड किया गया है। नेक्स्ट है थिंकिंग। अगेन यहाँ पर थिंक में आईएनजी को ऐड किया गया है और ये बन गया है थिंकिंग, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है पेंटिंग। पेंट वर्ब का बेस फॉर्म है, आईएनजी को ऐड कर दिया गया है, देन इट बिकम्स जेरंड और ये किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन की तरह वर्क करेगा, आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगेन ईटिंग, ईट में आईएनजी ऐड होके ये वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड होके ये जेरंड बन गया है और ये किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन की तरह वर्क करेगा। अभी तक हमने ये डिस्कस करा था डेफिनेशन में कि जेरंड किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आता है, एज अ ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि आपको पता है किसी भी सेंटेंस में हमेशा ही सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नाउन और प्रोनाउन होगा और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो इसके बाद हम जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो है जेरंड के फॉर्म ऑफ वर्ब। मींस जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस करा था कि जेरंड किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है एंड पोजेसिव प्रोनाउन के लिए भी एज अ ऑब्जेक्ट आता है। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जेरंड किसी भी सेंटेंस में जब एज अ सब्जेक्ट आएगा तो उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर जो वर्ड रनिंग है ये देख के आपको लगेगा कि ये एक्शन वर्ड है, बट ये एक्शन वर्ड नहीं है, ये जेरंड है, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है और ये इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है।
और सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो रनिंग यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आया है, जेरेंड है, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी को एड कर दिया गया है, देन इट बिकम्स जेरेंड, और सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर आपको ये बात एक ध्यान रखनी है कि जब जेरेंड की बात हो रही है, यहाँ पर रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग की बात हो रही है, एक इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, एक बात बताई गई है, यहाँ पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है। रनिंग से रिलेटेड एक बात बताई गई है कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग हो नहीं रही है, किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसीलिए रनिंग यहाँ पर एज अ एक्शन वर्ड नहीं आया है, ये एज अ जेरेंड आया है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइटिंग इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट। अगेन यहाँ पर राइटिंग जो है एज अ एक्शन वर्ड, इसको नहीं समझिएगा, ये एज अ जेरेंड आया है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही हमेशा सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं। राइटिंग इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पर राइटिंग हो नहीं रही है, राइटिंग की बात हो रही है कि इंग्लिश में लिखना डिफिकल्ट है, एक बात बताई जा रही है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, राइटिंग यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है, ये एज अ जेरेंड आया है, बेस फॉर्म वर्ब का बेस फॉर्म राइट प्लस आईएनजी जेरेंड, और ये सेंटेंस में एज अ नाउन की तरह वर्क कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट आया है। तो ये तो एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब से रिलेटेड जेरेंड के एग्जाम्पल हो गए। एक बात आपको और नोटिस करनी है यहाँ पर कि जब आपको जेरेंड को फाइंड आउट करना हो कि जेरेंड क्या है सेंटेंस में, तो सिंपल सा आपको काम ये करना है कि सेंटेंस को पढ़ के आप अगर वर्ब से व्हाट पूछेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्वेश्चन आया है व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो जो आंसर आएगा वो जेरेंड होगा, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग, तो रनिंग यहाँ पर जेरेंड है। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल में, राइटिंग इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट, व्हाट इज डिफिकल्ट इन इंग्लिश, आपने वर्ब से ये पूछा है, व्हाट इज डिफिकल्ट इन इंग्लिश, तो आंसर जो आएगा वो जेरेंड होगा, और आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है, राइटिंग, तो राइटिंग यहाँ पर एज अ जेरेंड आया है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जेरेंड किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि ये नाउन हो जाता है, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी एड होके ये नाउन हो जाता है, और ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करेगा एंड एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क करेगा। तो जेरेंड जब वर्ब के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्ब करता है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे कि ही लाइक्स रनिंग। तो यहां पर ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लाइक्स यहां पर फाइनाइट वर्ब है, रिवाइज करते चलते हैं, लाइक्स यहां पर फाइनाइट वर्ब है, रनिंग यहाँ पर जेरेंड है, क्योंकि यहाँ पर रन में, रन जो वर्ब का बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी को ऐड कर दिया गया है, एंड ये वर्ब के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्ब कर रहा है, रनिंग यहाँ पर जेरेंड है, ये वर्ब के लिए वर्ब है हमारी, लाइक्स जो है फाइनाइट वर्ब, वर्ब के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्ब कर रहा है, रन प्लस आईएनजी, रनिंग बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड होके ये रनिंग हो गया है। ही यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लाइक्स यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, और रनिंग यहाँ पर जेरेंड है, जिसने वर्ब के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क किया है। लाइक्स यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए जिस वर्ब का यूज हुआ है वो भी सिंगुलर है, और वर्ब की वजह से ही हमें ये पता चला है कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाइनाइट वर्ब की वजह से ही हमें सेंटेंस के टेंस के बारे में पता चलता है, ये अपने आप को चेंज करते हैं, अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, मींस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है फाइनाइट वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो फाइनाइट वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ही यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, और लाइक के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है रनिंग, रनिंग यहाँ पर एज अ जेरेंड आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश। अगेन यहाँ पर जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आई है, लाइक यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब हमेशा चेंज होती है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब भी सिंगुलर होगी, सेंटेंस को पढ़ के ही हमें समझ में आ रहा है कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश। और यहाँ पर जो वर्ड राइटिंग है, राइट प्लस आई एन जी,
ये वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है, ये एज अ ऑब्जेक्ट आया है सेंटेंस में, वर्ब के लिए एज अ ऑब्जेक्ट आया है सेंटेंस में। इन दोनों एग्जांपल्स में अगर आप क्वेश्चन करेंगे वर्ब से व्हाट, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है ही लाइक्स रनिंग, व्हाट ही लाइक्स, आंसर आया रनिंग, तो रनिंग यहां पर जेरेंड है। जब आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट, वहां पर जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा जेरेंड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश, व्हाट आई लाइक राइटिंग, तो राइटिंग यहां पर जेरेंड है, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जेरेंड यूज होता है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये हमेशा ही प्रीपोजिशन के लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करता है। सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आता है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करता है, वर्ब के लिए एज अ ऑब्जेक्ट आता है जेरेंड, और ये प्रीपोजिशन के लिए भी एज अ ऑब्जेक्ट आता है। रिलेटेड एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ रनिंग, यहां पर जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है अपने आप को बताने के लिए, प्रीपोजिशन को हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। आई एम थिंकिंग ऑफ रनिंग, रनिंग यहाँ पर जेरेंड है, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर दिया गया है, किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है, एक बात हो रही है। सेंटेंस पढ़ के भी आपको समझ में आएगा, आई एम थिंकिंग, थिंकिंग यहाँ पर एक एक्शन वर्ड है, क्योंकि कुछ थिंकिंग चल रही है माइंड में, कुछ थिंकिंग चल रही है, तो थिंकिंग यहाँ पर एक एक्शन वर्ड है, क्योंकि आई एम थिंकिंग, मैं कुछ सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ रनिंग, बट आई एम नॉट रनिंग, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ रनिंग, मैं बस सोच रही हूँ। तो यहाँ पर जो थिंकिंग है वो एक्शन वर्ड है, क्योंकि कुछ सोचने का काम चल रहा है, कोई एक्टिविटी माइंड में हो रही है, बट जो हम सोच रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, बट आई एम थिंकिंग ऑफ रनिंग, तो रनिंग यहाँ पर जेरेंड है। अगर आप सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, वर्ब से अगर आप व्हाट पूछेंगे, क्या आई एम थिंकिंग ऑफ रनिंग, व्हाट आई एम थिंकिंग, तो आंसर आएगा रनिंग, तो रनिंग यहाँ पर जेरेंड है, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी ऐड हुआ है, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है रनिंग में, उसके बारे में बात हो रही है, एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आई एम थिंकिंग ऑफ रनिंग। इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है ही इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, अगेन यहाँ पर जो इन है ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को हमेशा ही ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, सिंगिंग यहाँ पर जेरेंड है, प्रीपोजिशन के लिए एज अ ऑब्जेक्ट आया है ये सेंटेंस में, सिंग प्लस आईएनजी, वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया है, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसी भी तरह की सिंगिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, बट ये बात बताई जा रही है कि ही इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, वो सिंगिंग में इंटरेस्टेड है, ही यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ही इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। क्वेश्चन अगर आप वर्ब से पूछेंगे व्हाट, ही इज इंटरेस्टेड इन व्हाट, तो आंसर आपका आएगा जेरेंड जो है सिंगिंग। तो इस तरह से आप जेरेंड को फाइंड आउट करेंगे, जब आप वर्ब से व्हाट का आंसर जब आपको मिल जाएगा तो जो आंसर आपको मिलेगा वो जेरेंड होगा। तो वर्ब में यहां पर भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है, ही इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, ये एक बात बताई गई है, एक इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, एक बात बताई गई है, वो सिंगिंग कर नहीं रहा है, बट ही इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। तो यहां पर अभी तक हमने जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डिस्कस करा था, जेरेंड बेस फॉर्म में वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके बनती है, और वो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आती है, प्रीपोजिशन के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करती है। इसके बाद हमारे जो दो पॉइंट बचे हुए हैं, पोजेसिव प्रोनाउन के लिए वो एज अ ऑब्जेक्ट आती है, एंड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आती है, उससे रिलेटेड भी हम इसके जो टाइप्स हैं और उसके जो एग्जाम्पल है उसे भी हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जेरेंड पोजेसिव प्रोनाउन के लिए कैसे एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव प्रोनाउन, जेरेंड का पोजेसिव प्रोनाउन के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि आई डू नॉट लाइक योर अराइविंग लेट, यहां पर जो योर है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि पोजेशन की बात हो रही है, आई यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आई डू नॉट लाइक यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है,
सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुई है, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, फाइनाइट वर्ब भी सिंगुलर है. आई डू नॉट लाइक योर अराइविंग लेट, तो योर यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है, अराइविंग यहाँ पर जेरेंड है, क्योंकि वर्ब के बेस फॉर्म में अराइव में आई एन जी को एड कर दिया गया है, देन इट बिकम्स जेरेंड, अराइव प्लस आई एन जी. तो यहाँ पर ये बात हो रही है, आई डू नॉट लाइक योर अराइविंग लेट, तो योर यहाँ पर एज अ पोजेसिव प्रोनाउन आया है, पोजेसिव प्रोनाउन के लिए अराइविंग एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है. पोजेसिव प्रोनाउन है योर, इसे जिस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो है अराइविंग. अराइविंग यहाँ पर एज अ जेरेंड आया है, ऑब्जेक्ट बना है ये पोजेसिव प्रोनाउन के लिए. तो क्या नहीं पसंद है, आई डू नॉट लाइक योर अराइविंग लेट, आपका लेट आना ही नहीं पसंद है. जब आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट, व्हाट आई डू नॉट लाइक योर अराइविंग लेट, तो अराइविंग यहां पर एज अ जेरेंड आया है, अराइविंग के लिए जो पोजेसिव प्रोनाउन है योर है, योर एज अ पोजेसिव प्रोनाउन के लिए इसने एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करा है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, माय क्राइंग मेड हर सैड. तो यहां पर जो क्राइंग वर्ड है, जो क्राइंग है वो क्राई प्लस आई एन जी, वर्ब का जो बेस फॉर्म है रूट फॉर्म में आई एन जी एड होके ये जेरेंड बन गया है. माय क्राइंग मेड हर सैड, यहां पर जो मेड है ये सेंटेंस का वर्ब है, तो यहां पर जो जेरेंड है ये पोजेसिव प्रोनाउन माय के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है. जब आप वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट मेड हर क्राई या व्हाट मेड हर सैड, उसे क्या चीज सैड कर रही है, तो माय क्राइंग. तो क्राइंग यहां पर एज अ जेरेंड आया है, ये पोजेसिव प्रोनाउन माय के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है. क्वेश्चन आप सिंपल से पूछिए, माय क्राइंग मेड हर सैड, तो यहां पर जो क्राइंग है, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाट मेड हर सैड, तो जो आंसर आएगा वो होगा क्राइंग, वो आंसर होगा माय क्राइंग. तो यहां पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है, दोनों ही सेंटेंसेस में किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक बात बताई जा रही है, एक इंफॉर्मेशन का शेयर हो रही है, एक इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, जेरेंड कैसे आता है एक सेंटेंस में, तो ये एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आता है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को अटैच जो वर्ब करती है उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है. एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि माई न्यू हॉबी इज रनिंग, तो यहाँ पर जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है माई न्यू हॉबी. ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इसने जो बात बताई है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है वो है रनिंग. रनिंग यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है, ये एज अ जेरेंड भी वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म रन में आई एन जी एड होके ये रनिंग हो गया है. माई हॉबी इज जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके बारे में जो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड आया है वो है रनिंग. रनिंग यहाँ पर जेरेंड है, वर्ब के बेस फॉर्म में आई एन जी को एड किया गया है. अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे माय न्यू हॉबी इज रनिंग, व्हाट इज माय न्यू हॉबी, तो आंसर आया रनिंग. किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, एक इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, एक बात को बताया गया है. नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का ही, माय कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग यहाँ पर जो है वो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है, ये एज अ जेरेंड वर्क इसने करा है, स्लीप में आई एन जी वर्ब के बेस फॉर्म में आई एन जी को एड करके ये एज अ वर्ब से एज अ जेरेंड बन गया है, और सेंटेंस में एज अ नाउन ये वर्क कर रहा है. एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आया है, माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी, तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी. सेंटेंस के सब्जेक्ट को जिस बात ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो है स्लीपिंग. यहाँ पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है. अगर आप वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, व्हाट इज माय कैट्स फेवरेट एक्टिविटी, तो आंसर आया स्लीपिंग. वर्ब से जब आप व्हाट का क्वेश्चन करते हो और जो आंसर आपको मिलता है वो हमेशा
जेरेंट होता है। तो अभी हमने जो जेरेंट के जो उसके एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन थे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को देखा है, एंड जेरेंट जब एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है किसी भी सेंटेंस में उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस करा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जेरेंट को डिस्कस करा है। जेरेंट किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क करता है, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी को एड कर दिया जाता है तब वो वर्ब से जेरेंट बन जाता है। सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी वर्ब वर्क करता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है। पोजेसिव प्रोनाउन के लिए एज अ ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बताता है, प्रीपोजिशन के लिए एज अ ऑब्जेक्ट भी आता है। जेरेंट के मल्टीपल रोल्स हैं। कभी भी किसी भी फिजिकल एक्शन को जेरेंट नहीं बताता है, एक इन्फॉर्मेशन बताता है, एक फैक्ट बताता है, एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने जेरेंट को डिस्कस करा, जेरेंट कैसे फॉर्म होता है और जेरेंट किस तरह से सेंटेंस में आता है या सेंटेंस में किस तरह से वर्क करता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। और इससे पहले के जो भी वीडियोस बन चुके हैं उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन को क्लिक करके मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे जो इससे पहले के वीडियोस बन चुके हैं उन सारे प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।